जनपद हरिद्वार में ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे की मांग को लेकर सिखों का एक जत्था जबरन उत्तराखंड में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, जिसे पुलिस ने उत्तराखंड प्रदेश के राज्य सीमा कुलहाल बॉर्डर पर रोक दिया। बता दें कि हरिद्वार में एक विशेष स्थान पर ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे की मांग को लेकर लंबे अरसे से सिख समुदाय के लोग आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं ऑल इंडिया सिख फाउंडेशन के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह बाबर के नेतृत्व में आज गुरु पर्व के मौके पर सिखों के एक जत्थे ने जबरन हरिद्वार जाने का आह्वान किया, जिसके मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से उत्तराखंड का कुलहाल बॉर्डर सील कर दिया। वहीं कई थानों की पुलिस और पीएससी फोर्स के साथ पुलिस के आला अधिकारियों ने कुलहाल बॉर्डर पर मोर्चा संभाला। वहीं अधिकारियों के काफी समझाने और आश्वासन के बाद शांतिपूर्ण तरीके से सिखों का ये जत्था वापस लौट गया है। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। हमने पौंटा साहब गुरुद्वारा में अरदास की है और हरिद्वार हर की पौड़ी हम जाना चाहते थे गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब, पर यहाँ पर पुलिस का इंतजाम था। उन्होंने ये कहा कि ये आदेश हैं ऊपर से कि आप आगे नहीं जा सकते, आप हर की पौड़ी हरिद्वार गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब नहीं जा सकते। हमने रिक्वेस्ट की और उन्होंने कहा कि आपकी सारी बातें हम सरकार तक पहुँचाएँगे। मजिस्ट्रेट साहब भी थे, उन्होंने भी हमारी बात को सुना। हमने कहा कि हम पिछले कई सालों से लगातार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि सरकार जो है बाबा जी का ये गुरुद्वारा, ऐतिहासिक गुरुद्वारा जो 550 साल से पुरातन ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, वो हमें वापस कर दें। ये गुरुचरण सिंह बर्मा जो आज हरिद्वार जा रहे थे, तो उनको सुरक्षा और लोक शांति व्यवस्था की दृष्टि से आज यहाँ पे रोका गया है, उनके द्वारा अभी यहाँ पे हमारे द्वारा रोका गया है।